बटर चिकन बनाने के लिए हम पहले हमारे चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ 750 ग्राम्स चिकन लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है क्यूब्स में। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, जिसे हम कड़वा तेल भी बोलते हैं, राई का तेल, फिर डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर, फिर डालेंगे धनिया पाउडर, फिर डालेंगे हल्दी, अदरक लहसुन की पेस्ट, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। मसाले डल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। हमें बहुत थिक दही डालनी है, पानी वाली दही नहीं डालनी है। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसे 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रखना है। बटर चिकन की ग्रेवी तैयार करने के लिए पहले हम लेंगे कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। इसमें हम डालेंगे कांदा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, 7 से 8 काजू, 4 अक्खी लाल मिर्ची। इसे हम ट्रांसलेंट होने तक पकाएंगे। देखिए अनियन थोड़ा सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया है, उसने कलर चेंज करना स्टार्ट किया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने रफली चॉप कर ली है टमाटर और अब इसे हम थोड़े सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए टमाटर भी अब अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक वो मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम अपना चिकन पका लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर, 1/2 कप हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक। एक साइड पक जाने के बाद हम इसे ऐसे पलटा देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। चिकन अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है। टमाटर और कांदे का जो मिक्सचर था वो मैंने ठंडा करके इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर के बाद हम ये पिसी हुई पेस्ट डाल देंगे। हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार,
धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिलाने के बाद हम जार में पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मिक्सचर जो जार पे लगा हुआ है वो इसमें लग जाए। तकरीबन आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। ये हमारी प्रॉपर कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। ग्रेवी में हमारा पका हुआ चिकन डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। कस्तूरी मेथी डालेंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। हमारा बटर चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर देंगे।